इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन पर एक्सिस मोबाइल ऐप के अंदर इस तरीके से दिखाता है यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस एम पिन चूज अनदर एम पिन, तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला है न्यू एम पिन कैन नॉट बी सेम प्राइवेस और ये ऑलरेडी यूज्ड वगैरह, तो ये दोनों सेम है। ये जो मांगता है ऑलरेडी वाला तो वो आपने पहले वाला डाल रखा होता है, और प्राइवेस वाला जो रहता है वो आपने कभी भी डाल रखा हो तो उस जैसा एम पिन आप दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप ये पिछला वाला जो ऑलरेडी चल रहा था वो है, और वो पिछले वाले से भी पिछले वाला जो उनसे भी हो सकता है, मतलब जो चल रहा हो उससे पिछला वाला होगा तो वो प्राइवेस यहाँ पर आप नहीं डाल सकते, और जो ऑलरेडी होगा वो भी यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो आपको एम पिन बिल्कुल नया बनाना पड़ेगा, ना आपने यहाँ पर एक्सिस मोबाइल ऐप पर चुना होगा वो बनाना होगा, मतलब कि कभी आपने यूज़ भी नहीं किया हो वाला एम पिन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो बस आपको यहाँ पर ऑलरेडी का मतलब सिर्फ यही रहता है, तो आप यहाँ से इसको दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका जो एम पिन होगा वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका, वीडियो को ओके करके यहाँ पर नया एम पिन बनाइए तो फिर वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।